नमस्कार साथियों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के नाम बताएंगे। यह जो सीरीज है, आपको जैसे कि पता है, मैं हर माह तारीख 14 व 28 को एक नया जीवन परिचय लेकर आता हूँ। तो आज से मैंने मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों को स्टार्टिंग से लेकर और अभी वर्तमान तक है जितने साहित्यकार हैं सभी पर वीडियो बनाना प्रारंभ किया है। आज मैं सभी का मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के नाम बताऊंगा। इसके बाद अगले वीडियो में इनका जो क्रमिक वर्गीकरण है, आधुनिक काल, मध्य काल और प्राचीन काल में किन किन कवियों ने जन्म लिया, उनके सभी के नाम बताऊंगा और इनकी विशेष रचनाएं, इनका पूरा जीवन परिचय बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के मात्र नाम बताएंगे। अगले वीडियो में हम इनका वर्गीकरण करेंगे कि किस काल में कौन से कवियों ने जन्म लिया, फिर क्रमशः एक एक का जीवन परिचय देखेंगे। तो आज का वीडियो है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के नाम। तो देखें, पहले साहित्यकार का नाम है महाकवि कालिदास, भर्तृहरि, भावभूति, बाणभट्ट, केशवदास, भूषण, कवि पद्माकर, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सभी मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार हैं। क्या इनकी जो कर्म भूमि है वह मध्य प्रदेश रही है। हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गजानन माधव मुक्तिबोध, शरद जोशी, शिव मंगल सिंह सुमन, परम श्री रामनारायण उपाध्याय, डॉक्टर रणवीर सिंह और श्री कृष्ण शरण, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के नाम थे। अगले हम तारीख 14 को इनका वर्गीकरण देखेंगे और अगले वीडियो दोबारा इसी तारीख 28 को किसी कवि का जीवन परिचय देखेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।